राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनके ऊपर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आप सभी को बताएंगे कि क्यों, क्योंकि अब जो चुनाव आ रहे हैं उस उपचुनाव के अंदर उन्होंने कनिका बेनीवाल यानी कि उनकी जो पत्नी है उन्हें मैदान के अंदर उतारा है। लेकिन अगर वे हार गई तो राजस्थान की विधानसभा से लोकतांत्रिक पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, क्योंकि उस पूरी पार्टी के अंदर अभी हाल ही में एक सांसद मौजूद हैं, वह खुद हनुमान बेनीवाल हैं, और उनके जाने के बाद में विधायक पद खाली हो चुका है। तो अगर कोई भी विधायक इस पार्टी का नहीं बना तो राजस्थान की विधानसभा से इस पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। हाल फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कारीलाल नमनुमा को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने पूर्व मंत्री सुशील कटारा का टिकट काट करके नए चेहरे पर भरोसा जताया। कारीलाल सीमलवाड़ा पंचायत समिति से प्रधान हैं। वे बीजेपी एसटी मोर्चा के जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। लंबे समय से आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 84 सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के महेश रोत और भाजपा आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा से होगा। वहीं 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। 5 दिन पहले भाजपा ने पहली लिस्ट में 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। अब भाजपा और कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।